देखिए, एक ओडीआई होने वाला है आयरलैंड और बांग्लादेश का। बांग्लादेश आयरलैंड में जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है आयरलैंड के लिए, ठीक है। सबने सारा ओडीआई का एक अपना वो हो रहा है इस बार की, जो टॉप आपकी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ अब साउथ अफ्रीका बच गई है और आयरलैंड बच गई है। अगर आयरलैंड तीनों जीत जाएगी तो इनका भी 98 पॉइंट हो जाएगा, और तीनों जीतेंगे तो डेफिनेटली इनका पॉइंट वो जो रन रेट है वो आगे हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाएंगे। हालांकि मेरे को कम समझ में आता है बिकॉज वो अभी तक सिर्फ 21 ही मैच खेले हैं साउथ अफ्रीका वाले, ये भी 21 खेल चुके हैं, बट बाकी सारी टीम लगभग 24 मैच खेली है। तो जो भी है मेरे को उससे फर्क नहीं है। यही है कि अगर आयरलैंड 3-0 से हरा देगी तो आयरलैंड डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी, आपकी ऑलमोस्ट चांस रहेगा डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का। फिर साउथ अफ्रीका जो अभी यूएई है और आपकी ओमान की टीम है, जो आपकी नेपाल की टीम, ये सारी स्कॉटलैंड की टीम, ये सब टीम के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, ये सब एक क्वालिफायर और खेलेंगी। उसमें से जो जीतेगा शायद उसमें से जो टॉप टू पे रहेगा कुछ ऐसा ही, वो मैं बाद में बता दूंगा, वो क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने जोशुआ लिटिल को उठाया भी है जहां तक मेरे को न्यूज आई है। तो तीनों मैच आपके आयरलैंड में रहेंगे और 3:15 बजे से मैच है, फैन कोर्ट पे आपको दिख जाएगा। और आयरलैंड में रन बनते हैं, ठीक है, 300 तक के टोटल बनते हैं, ठीक है। ये क्लेम स्पोर्ट है, हालांकि इंग्लैंड दिखा रहा है, इंग्लैंड में ही खेल रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रन बनेंगे, ठीक है। और आयरलैंड को हराना बहुत मुश्किल होने वाला। आइए इनकी टीम देख लेते हैं। इनकी टीम के बारे में ऐसा तो कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। आपको ये सारे के सारे हिडॉय, इसके अलावा रोनी तालुका, इन्होंने जो नए कोच इनके आए हैं वो टीम को थोड़ा तेज खिलवा रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा होता है, आप देखा करो जो नए कोच की थिंकिंग होती है, तो इन्होंने सारे T20 के प्लेयर को उठाए। जिस टाइम बांग्लादेश खेल रही थी आयरलैंड, उसी टाइम पर मैंने बोला था देखिएगा ये लोग मार के खेलेंगे, और अब ये 300 रन बना रहे हैं। पहले ये 280 तक बनाते थे, अब तो भाई मुशफिकुर रहीम भी 60 बॉल पर सेंचुरी मार रहे हैं, तो ये बात है, ठीक है। ये लोग, इनको नजमुल हसन सांटो अच्छे हो गए हैं, शाकिब और मेहदी हसन मिराज इनके हमेशा मैच विनर रहेंगे, ताजुल इस्लाम, मृत्युंजय चौधरी का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर है, मेरे को याद है कुछ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे और अच्छे बॉलर है, जहां तक मेरे को याद है हसन महमूद तो आपको मालूम है, इबादत हुसैन एकदम क्लास बॉलर है, और शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान, तो मुस्तफिजुर रहमान तो दिल्ली में हट जाएगा, ठीक है। तो और इधर से शाकिब तो हट ही गए थे, और तो कोई किसी का सिलेक्शन हुआ है, लेटन दास उसमें है आपके कोलकाता में, तो ये हट जाएंगे, ठीक है। ये लोग आईपीएल के बीच में पता नहीं क्यों करते हैं, तो भाई आईपीएल में सीखना चाहिए, पता नहीं मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। इधर से जोशुआ लिटिल को बुला लिया गया, गलत बात है भाई, आईपीएल खेलोगे तो आप और स्ट्रांग बनोगे। ये सब लीग्स में बड़े बड़े प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करोगे ना तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अच्छे बॉलर होगे। तो ठीक है, जोशुआ लिटिल अभी हाल ही में बांग्लादेश का नहीं खेला था, ये अब ये खेल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा बॉलर, ठीक है, सीधी बात, क्रेग यंग और ग्राहम यंग अच्छे बॉलर, और ये सारे के सारे इनके ऑलराउंडर। अब इनके देश में हो रहा है तो याद रखिएगा ये बैंड बजा देंगे, ठीक है। हालांकि ओडीआई T20 में एक मैच हराए थे और ODI में कहीं ना कहीं बुरी तरह से मात खा गए थे, ठीक है। और ये सारे के सारे अच्छे प्लेयर, ठीक है, हैरी टक्कर को जानते हो, लोरकान टक्कर को जानते हो, एंड्रू बलब्राइन वापस फॉर्म में है, और ये सारे के सारे, फियोन हैंड तो फास्ट बॉलर है, पता नहीं क्यों ऑलराउंडर में लिखा है, बाकी सब एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर, गैरेथ एलनी वगैरह अपने देश में खेल रहे हैं, याद रखिएगा बैंड बजा देंगे, ठीक है। तो यही है, मैंने इसके पहले भी बोला था टीम काफी अच्छी है। अब हाल ही में इन्होंने, आपने देखा बांग्लादेश से टेस्ट में अच्छा इन्होंने किया, T20 के आखिरी मैच में हराया, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अब इनको मौके मिल रहे हैं, अब आप देखिएगा कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं आयरलैंड वाले, ठीक है। तो ये टूर्नामेंट आयरलैंड को जीतना है, और मैच में जहां तक देख इंग्लैंड में हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैच अच्छा बन सकता है। और आयरलैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, मैं फिर बोल रहा हूं, आयरलैंड मेरे को काफी अच्छी लग रही है। इनके जितने भी प्लेयर हैं आप अगर देखो, इनके पास बस प्रॉब्लम है कि इनके अच्छे फास्ट बॉलर नहीं है, तो जोशुआ लिटिल आ गया तो वो विकेट लेके देगा। और बांग्लादेश तो अपने देश में तो इनको कोई हरा नहीं सकता, ये बाहर भी हालांकि साउथ अफ्रीका को हरा के आ रहे हैं, और इनके पास बॉलर भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, बट इनको हराना मैं फिर बोल रहा हूं बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये टूर्नामेंट एकदम जैकपॉट टूर्नामेंट स्टाइल में आपको मिलेगा, रेड सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को, बट फिर भी आयरलैंड ये टूर्नामेंट जीत सकते। एंडी मैकग्रेन का सिलेक्शन काफी अच्छा हुआ, इनको ODI से हटा दिया गया था, अच्छी ऑफ स्पिन करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, और क्या चाहिए। और बाकी गैरेथ एलनी आपको अच्छा प्रदर्शन करके दे सकते हैं, जॉर्ज डॉकरेल, कर्टिस कैम्फर, इसके अलावा पॉल स्टर्लिंग आखिरी मैच में अच्छा खेलते हैं, मार्क एडायर अच्छा खेलते हैं, तो इसके अलावा ये सारे के सारे बैट्समैन अच्छे हैं। इनकी फास्ट बॉलिंग में जोशुआ लिटिल अच्छा, ग्राहम ह्यूम एकदम मेघराज की तरह बॉलिंग करता है, तो कहीं ना कहीं मैच एक टक्कर वाला होगा, रेट ज़्यादा नहीं खुलेगा, बट फिर भी ये मैच अच्छा होगा। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो देखिए, एक मैच तो मैं 100% आयरलैंड को दूंगा, ठीक है, और इनको हराना देखिए मुश्किल है, बट यही है कि ये देखिए टूर्नामेंट कौन जीतेगा ये बताना मुश्किल होगा, पर फिर भी अगर आप मेरे से बोलो तो मैं काफ़ी स्ट्रेंज प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, 2-1 मैं आयरलैंड को दे रहा हूँ। सीधी बात है, मेरे को मालूम है मैं हो सकता है बैकफायर कर जाए, अभी तक जितने भी मैंने एडवांस प्रेडिक्शन किए हैं लगभग 10 में से 8-9 बार तो वही हुआ है, मैंने बोला है 2-1 होगा, मैंने बोला है 4-3 होगा, मैंने बोला है 2-2 होगा, सब वही हो रहा है। तो ये मैं आयरलैंड को दे रहा हूँ, और आयरलैंड के साथ ही आपको रहना है, रेट सपोर्ट नहीं करेगा, बट आयरलैंड के साथ आप रहोगे आपके पैसे बनेंगे, मोटे पैसे बनेंगे, ठीक है। मैं सीधी बात आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब इंग्लैंड में खेलना जानते हैं, और इन्होंने हाल ही में T20 में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, और कहीं ना कहीं इनकी टीम को हराना इतना आसान नहीं होगा, सब टॉप के प्लेयर हैं, और यहाँ जो स्पिन उतना नहीं कटेगा, इतनी मदद नहीं मिलेगी शाकिब को, मेहदी हसन मिराज को, बट इनकी टीम भी कम नहीं है, बट ये बाहर जाके खेल रहे हैं, मतलब ये है ना कि ये सब नए नए प्लेयर हैं, एकदम नए नए, रोनी तालुकदार ये सब बाहर कभी नहीं खेले, तो हो सकता है इनको ये बैकफायर कर जाए, इनकी बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, बट मैं आयरलैंड के साथ रहूँगा, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा
कहूंगा आयरलैंड के साथ रहिएगा, बैकफायर कर सकता है, बट रेट नहीं खुलेगा, आपका काम हो जाएगा, 2-1 से भले ही ना जीते बट आपको रेट आ जाएगा, आपका लॉस कट वगैरह हो जाएगा जो मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है। तो आयरलैंड विल बी द टीम टू वॉच आउट फॉर, इनको 3-0 से जीतना है, ये बहुत तगड़ा खेलने वाले हैं और हो सकता है ड्रामेबाजी के लिए शुरू का 1-2 मैच जिता दिया जाए आयरलैंड को, वो मेरे को मालूम नहीं है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मैच अच्छा होगा आपको बॉल नॉट रनियर्स के कैंडिडेट में, फिर बोल रहा हूँ सिडॉय हिडॉय आप उठा सकते हो, रोनी तालुकदार तेज खेलेगा, ठीक है, बाकी तो इनके तो टॉप के प्लेयर हैं और शाकिब उल हसन आते ही मार के खेलता है, ठीक है। ये इधर भी जिसका एक वो हो गया, इसकी बॉल भी ज़्यादा देती है, आप इनकी बॉल नोट भी कर सकते हो, बाकी इसमें तो सब क्लास क्रिकेटर है, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, इनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, फास्टर भी अच्छे हैं और कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, ठीक है। मैकब्रायन का प्रदर्शन फिर से अच्छा हो सकता है और कहीं ना कहीं सेंचुरीज आपको देखने मिल सकती है वापस से, लोरकान टक्कर नहीं तो हैरी टेक्टर नहीं तो आपके पॉल स्टर्लिंग का, ठीक है। और नीचे में गैरेथ डेनलिन सबका नाम याद रखिएगा, मोटा मार के दे सकते हैं अगर पिच अच्छी रह गई तो, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले मैं चलता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा टूर्नामेंट होगा आईपीएल के बीच में, आप इसको जरूर देखिएगा।